हेलो बच्चों, मैं आराधना वर्मा आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग कक्षा एक की हिंदी पुस्तक रिमझिम एक का पार्ट नंबर 21 हलीम चला चांद पर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर यानी कि वर्कशीट सॉल्व करेंगे, जो आपके एनसीईआरटी बुक में दिए गए प्रश्न उत्तर के अतिरिक्त है। बच्चों, अगर आपने पिछले किसी वीडियो को मिस किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट का लिंक उपलब्ध मिलेगा, उसे क्लिक करके आप कक्षा एक से संबंधित किसी भी वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ मेरे चैनल पर आपको कक्षा एक से कक्षा दस तक के हिंदी विषय के सभी पाठ का व्याख्या, प्रश्न उत्तर और कुछ के वर्कशीट उपलब्ध मिलेंगे, और कुछ क्लासेस के आपको साइंस और ईबीएस के भी वीडियो उपलब्ध मिलेंगे, तो आप उनको भी ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, आज इस वीडियो में हम लोग हलीम चला चांद पर इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते हैं। तो पहला प्रश्न का कैटेगरी है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, यानी यहाँ पर रिक्त स्थानों को हमें भरना है। जो ब्रैकेट में दो शब्द दिए गए हैं उनमें से सही शब्द चुनकर। पहला वाक्य है, हलीम खाली स्थान पर जाना चाहता था। यहाँ पर दो ऑप्शन है, सूरज या चांद। यहाँ पर हम लिखेंगे चांद, हलीम चांद पर जाना चाहता था। दूसरा यहाँ पे वाक्य है, खाली स्थान रॉकेट पर बैठकर चांद पर चला। कौन गया था, हलीम या सलीम? तो उत्तर होगा हलीम रॉकेट पर बैठकर चांद पर चला। अगला है यहाँ पर, चलते चलते खाली स्थान हो गया, क्या हो गया था, अंधेरा या सवेरा? उत्तर होगा चलते चलते अंधेरा हो गया। अगला है, हलीम को खाली स्थान से डर लगने लगा। किससे डरने लगने लगा था उसे, जानवरों से या अंधेरे से? उत्तर होगा हलीम को अंधेरे से डर लगने लगा। अगला यहाँ पर वाक्य है, हलीम को चांद पर बड़े बड़े गड्ढे और खाली स्थान दिखे, क्या दिखे थे, पहाड़ या नदी? उत्तर होगा हलीम को चांद पर बड़े बड़े गड्ढे और पहाड़ दिखे। अब यहाँ पर बच्चों, अगला प्रश्न का कैटेगरी है नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दे। हलीम किस कारखाने में गया? उत्तर होगा हलीम रॉकेट के कारखाने में गया। कैसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ही, अकॉर्डिंग टू जो हम स्टोरी पढ़े थे उसके अनुसार हम उत्तर दे रहे हैं। अगला यहाँ पर है, क्या हलीम को चांद का रास्ता पता था? उत्तर देंगे नहीं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, हलीम क्या देखकर खुश हो गया? उत्तर होगा हलीम चांद देखकर खुश हो गया। क्या चांद पर हलीम को लोग मिले? उत्तर होगा एक ही शब्द में उत्तर हम देंगे, नहीं। अगला यहाँ पर प्रश्न है, चांद पर हलीम को क्या मिला? उत्तर होगा चांद पर हलीम को बड़े बड़े गड्ढे और पहाड़ मिले। अगला प्रश्न है, हलीम वापस कहाँ आ गया? उत्तर होगा हलीम वापस घर आ गया। अगला प्रश्न है, क्या तुम भी चांद पर जाना चाहते हो? उत्तर होगा नहीं, हम छोटे बच्चे हैं ना, छोटे बच्चे चांद पर क्या करेंगे जाकर, उसे भी अंधेरे से डर लगेगा, जब बड़े हो जाएंगे साइंटिस्ट बन जाएंगे तो चांद पर जाएंगे। अगला यहाँ पर प्रश्न है बच्चों, सही कथन पर सही एवं गलत पर गलत का निशान लगाएं। तो पहला यहाँ पर वाक्य है, हलीम आकाश की सैर करना चाहता था। ये गलत आंसर है, वो तो चांद पर सैर करना चाहता था। चलते चलते सवेरा हो गया, ये भी गलत है, चलते चलते तो अंधेरा हो गया था। चांद को देखकर हलीम खुश हो गया, ये बिल्कुल सही है, चांद को देखकर हलीम खुश हो गया था। अगला यहाँ वाक्य है, चांद पर ना कोई पेड़ था ना लोग थे, बिल्कुल सही, वहाँ कुछ भी नहीं था। अगला है, हलीम ने सोचा ये भी कोई जगह है, बिल्कुल सही, हलीम बिल्कुल ऐसा सोचता है कि ये भी कोई जगह है, क्या उसे वो जगह पसंद नहीं आया। अगला यहाँ है, इन्हें भी जाने, जहाँ सूरज चांद सितारे तथा अन्य ग्रह हैं उन्हें अंतरिक्ष कहते हैं। तो अंतरिक्ष किसे कहते हैं बच्चों, उसका ये परिभाषा हो गया, जहाँ सूरज चांद सितारे तथा अन्य ग्रह हैं उसे हम अंतरिक्ष कहते हैं। चांद पर जाने वाले को अंतरिक्ष यात्री कहते हैं, तो ये अंतरिक्ष यात्री का परिभाषा हो गया। रॉकेट को अंतरिक्ष यान कहते हैं, तो ये अंतरिक्ष यान और रॉकेट का परिभाषा हो गया। हवाई जहाज उड़ाने वाले को पायलट कहते हैं, तो ये पायलट का परिभाषा हो गया। अब यहाँ पर आगे है, अक्षरों तथा मात्राओं को सही क्रम में लगाकर रिक्त स्थान भरिए। तो यहाँ पर अक्षर और मात्रा है, उन सबको हमें सही तरीके से, ये जम्बल्ड हैं, उल्टा पुल्टा करके अक्षर और मात्रा दिया गया है, इसे हम सही तरीके से अरेंज करेंगे, क्रम में लगाएंगे, और पाठ में जो भी शब्द आए हैं उन्हीं में से कोई एक शब्द हम बनाएंगे। तो यहाँ पे जब आप इसको, इन जंबर लेटर्स को और मात्राओं को सही करेंगे बच्चों, तो उत्तर आएगा अंधेरा। इसी तरह से अगर इन सभी लेटर्स को और मात्रा को हम अरेंज करेंगे तो हमें उत्तर आएगा टोकरी। इसी तरह से इन सभी लेटर्स को जब हम अरेंज करेंगे तो उत्तर आएगा हलीम। इन सारे लेटर्स और मात्रा को अरेंज करने पर, सही क्रम में लगाने पर उत्तर आएगा कारखाने। इन सभी को जब आप अरेंज करेंगे तो उत्तर आएगा बैठकर।
अब आपको अगला यहाँ पर दिया गया है एक चांद का चित्र काटकर यहाँ चिपकाइए। तो इस तरह से आप अपने नोटबुक पर खाली स्थान में एक चांद का चित्र चिपकाइएगा और उससे कलर कीजिएगा। बच्चों उम्मीद है आपको ये वर्कशीट ज़रूर पसंद आया होगा। तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरा नया वीडियो आने पर आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।